जाकू राखे साइयां मार सके ना कोई। कुछ ऐसा ही हुआ है रीवा में। एक तरफ बाढ़ का कहर तो दूसरी तरफ किस्मत। जी हाँ, 24 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच फंसे रहे 6 गांव वालों को आखिरकार सुरक्षित निकाल ही लिया गया है। रीवा से 70 किलोमीटर दूर सिरमौर में टमस नदी कहर बरपा रही है। 6 ग्रामीण जंगल में जामुन तोड़ने के लिए गए थे, अचानक से वहां बाढ़ आ गई जिससे ये सभी गांव वाले वहां पर फंस गए। किसी तरह एक पेड़ के सहारे लटक कर इन्होंने रात गुजारी। हर तरफ मौत का खतरा था लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जब प्रशासन को इसकी जानकारी लगी तो रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर शुरू किया गया, लेकिन तेज बहाव के चलते होमगार्ड के जवान इन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। आखिरकार प्रशासन ने सेना की मदद ली और एक हेलीकॉप्टर के सहारे इन गांव वालों को बचाया गया। होमगार्ड के डिप्टी कमांडर ने बताया है कि 3 लोगों को बोट के सहारे निकाला गया जबकि 3 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया जा सका। ये सर नियर अबाउट 6 लोग थे और बाकी वन बाय वन कैसे निकाले? वन बाय वन सर उन्होंने रस्से के द्वारा जो पेड़ में फंसे हुए थे यहाँ से निकल गए थे थोड़ा आगे, तो उनको रस्से से वन बाय वन करके ऊपर कलेक्ट किया, लेफ्ट किया था। सभी सुरक्षित थे सर।